खबर है रतलाम से, जहां पर की खबरें अभी तक की खबर का असर हुआ है। रतलाम से है इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, खबरें अभी तक की खबर का हुआ है खासा असर। साइकिल वितरण प्रक्रिया में लापरवाही का मामला सामने आया है और ये खबर खबरें अभी तक पर दिखाई गई थी। दरअसल स्कूल प्रांगण में जंग खा रही थी साइकिलें और ये खबर खबरें अभी तक पर दिखाई गई थी। ये वो साइकिलें हैं जो स्कूलों में बांटी जानी थी, लेकिन स्कूल के प्रांगण में साइकिलें रखी हुई हैं और इसी के चलते बच्चे काफी परेशान हो रहे थे। बच्चों ने शिकायत भी की थी कि उनके स्कूल के प्रांगण में साइकिलें इतनी रख दी गई हैं कि उनके लिए आने जाने में दिक्कतें होती हैं, पढ़ने में दिक्कतें होती हैं, और ये खबर खबरें अभी तक ने प्रमुखता से दिखाई थी। और इसी खबर का अब असर सामने आया है। रतलाम से है इस वक्त की बड़ी खबर, अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। खबरें अभी तक की खबर का असर हुआ है, अधिकारियों के संज्ञान में मामला आ गया है। खबरें अभी तक ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसमें कि एक स्कूल के प्रांगण में साइकिलों का ढेर लगा था, जगह जगह साइकिलें रखी हुई थी, बच्चे इससे काफी परेशान थे, उन्हें पढ़ाई में काफी दिक्कतें आ रही थी। ये वो साइकिलें हैं जिनका स्कूलों में वितरण किया जाना था। साइकिल से वितरण पहुंचे केंद्र अधिकारी, साइकिल वितरण केंद्र में अधिकारी पहुंचे हैं, अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है। इस पर तमाम ब्यौरे इकट्ठे किए गए हैं कि ये बच्चों को साइकिलें अब कब मिलेंगी, इस पर विचार किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द ये साइकिलें उन जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके जिन्हें स्कूल आने जाने के लिए इन साइकिलों की जरूरत है। तो स्कूल प्रांगण में जंग खा रही थी साइकिलें और ये खबर खबरें अभी तक ने प्रमुखता से दिखाई थी और इस खबर का अब असर सामने आया है। अधिकारियों के मामला संज्ञान में पहुंच गया है, अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, तमाम ब्यौरे इकट्ठे किए गए हैं। खबरें अभी तक ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, खबर का असर हुआ है, अधिकारियों के संज्ञान में मामला पहुंच चुका है और अब साइकिल वितरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आज से ही साइकिल वितरण प्रक्रिया शुरू की जा रही है। एक अच्छी खबर कह सकते हैं कि खबरें अभी तक ने ये लापरवाही की खबर आपके सामने रखी थी कि किस तरीके से विभाग कितना लापरवाह हो चुका है। साइकिलें जंग खा रही हैं और बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें साइकिलें मिलेंगी। अब प्रशासन ने मामला संज्ञान में लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए अल्ताफ अंसारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अल्ताफ अंसारी जी, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, खबरें अभी तक की खबर का असर हुआ है, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, क्या अपडेट है आपके पास? जी, मैं बताना चाहूंगा कि खबरें अभी तक ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी और सबसे पहले जो साइकिलें प्रांगण में पड़ी हुई थी, बरसात में जंग खा रहे थे और बच्चों को जो साइकिलें पहुंचनी चाहिए थी समय पर, वो समय पर साइकिलें नहीं पहुंच पाई थी। वो यही कारण था कि खबरें अभी तक ने इसको जो न्यूज दिखाई थी, उसके बाद में अधिकारियों ने इसमें संज्ञान लिया और आज प्रातःकाल से ही यहाँ पर साइकिल वितरण के लिए जो वाहन दिखाई दे रहा है वाहनों पर लगाया गया और सबको लोहित इन साइकिलों को पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। साइकिल वितरण केंद्र पहुंचे हैं अधिकारी, इस मामले में ब्यौरा इकट्ठा किया गया है और जल्द ही साइकिल वितरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, प्रदेश के बच्चों तक साइकिलें पहुंचाने का काम भी किया जाएगा।